तो जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमने एक सीन को मॉडल किया है और शेडिंग की है फॉर कॉस्टिक, पार्ट टू में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइट के थ्रू कॉस्टिक पैटर्न जनरेट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी सेशन। और अब मुझे लगानी है एक लाइट, ठीक है। तो लाइट मैं लेता हूँ हमारी स्टैंडर्ड लाइट्स में से ही, नाम आपका ओमनी लाइट ही लो, और इस लाइट को लगा के इस तरह ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। लाइट को सेलेक्ट कर लो, मॉडिफाई में जाओ, ठीक है, और इसमें शेडो चालू करो। और शेडो वैसे तो क्रिसमस से पहले से रेट्रेस आई, लेकिन अगर कोई और शेडो हो तो उसको चेंज कर देना रेट्रेस में। रेट्रेस शेडो क्या, जो ट्रांसपेरेंसी और रिफ्रैक्टिविटी कैलकुलेट करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस प्लेन की जो शेडो नीचे बनेगी तो वो ट्रांसपेरेंसी और रिफ्रैक्टिविटी के साथ बने, ना कि टोटल ब्लैक शेडो बन जाए। तो इसलिए आप रेट्रेस शेडो यूज करो, और अभी बस एक रेंडर करो मल्टीप्लायर लाइट का, यानी इंटेंसिटी अभी 1 ही रहने दो। हम एक रेंडर करते हैं, पहले बस ये देख लें कैसा आ रहा है। तो ठीक है, लाइट आ गई, लाइट की वजह से ऊपर ये स्पेकुलर वगैरह भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो लाइट भी लग गई। अब आते हैं कॉस्टिक पे। तो यहाँ हमने पहला काम कर लिया। पहला काम क्या किया कि हमने ऑब्जेक्ट्स को शेडिंग करके, आपने जो दो ऑब्जेक्ट बनाए, नीचे का सरफेस ऊपर का पानी, उसको शेडिंग किया मेंटल रे के मटेरियल से आर्कन डिजाइन, ठीक है ना। और उसमें से एक ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिव बनाया और एक को रिफ्रैक्टिव विद रिफ्लेक्शन, दोनों में जनरेट किया ये ग्लास वाले मटेरियल को। उसका नाम मैं ऐसा वाटर कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे एक्चुअल में कॉस्टिक चालू करना है। तो मैं गया रेंडर सेटिंग में, F10 प्रेस करो। आपने मेंटल रे रेंडर इंजन में तो हो, लेकिन उसके किस पैरामीटर में जाना है आपको, किस टैब में, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, यहाँ पे जहाँ पे आपको फाइनल गैदर मिलता है, ये फाइनल गैदर के थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ रहा, ये रहा फोटो मैपिंग GI के जस्ट ऊपर है, कॉस्टिक, कॉस्टिक एंड फोटो मैपिंग। तो इसमें आप कॉस्टिक पे टिक लगा दो, GI तो मुझे अभी चाहिए नहीं, और फाइनल गैदर को भी बंद कर दो, क्योंकि ये हम लास्ट में जब फाइनल रेंडर करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। क्योंकि अगर आपने फाइनल गैदर ऐड कर दिया कॉस्टिक के साथ तो सेम वही प्रॉब्लम, रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। तो रेंडर टाइम तो अभी हम तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कॉस्टिक की कैसा दिखेगा, तो अभी फाइनल गैदर को बंद रखो और कॉस्टिक इनेबल पे चालू रहना। कॉस्टिक जैसे इनेबल किया और आप रेंडर करो, तो देखो रेंडर कर कॉस्टिक चालू करते ही और रेंडर हिट करते ही एक ये एरर आता है, देर आर नो कॉस्टिक फोटॉन्स जनरेटर इन दिस सीन, मेक श्योर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज सेट टू जनरेट कॉस्टिक इन दी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डायलॉग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कॉस्टिक तो सेटिंग से चालू हो गया है, लेकिन इस सीन में ऐसा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अभी है नहीं जो कॉस्टिक के लिए रेडी हो, मतलब वो कॉस्टिक जनरेट करने के लिए अपना लाइट को कैलकुलेट कर रहा हो। तो वो कौन सा है, ये वाटर वाला, यही है जिसको कॉस्टिक पैदा करना चाहिए इस सीन के हिसाब से। तो मुझे इस कॉस्टिक को मैनुअली, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को मैनुअली ये समझाना पड़ेगा कि तुम ही हो जिसे कॉस्टिक जनरेट करना है। तो कैसे, मैनुअली करना पड़ेगा काम, और ये मैनुअली ही होगा, ये कभी ऑटोमेटिकली होगा भी नहीं। तो ध्यान रख देना कैसे, पहले कॉस्टिक चालू कर दो, है ना, तो एरर आना स्टार्ट हुआ। अब एरर को सॉल्व कैसे करेंगे कि इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जो कॉस्टिक जनरेट करेगा, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाओ, क्योंकि उसने एरर में लिखा था कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके सही करना है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, देन हिट ऑन दी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, देन गो टू मेंटल रे टैब। यहाँ पे इतने सारे टैब हैं, जनरल, एडवांस, लाइटिंग, तो सब में छोड़ के आप सबसे लास्ट मेंटल रे में आ जाओ। यहाँ आपको मिलेगा देखो जनरेट कॉस्टिक, जिस पे टिक नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ हमें मैनुअली टिक लगा के ओके करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने रेंडर किया, फिर एक और एरर आया। ध्यान रखना कि पहले दो आए थे, लेकिन जब ये, अब जैसे ही मैंने अभी जनरेट कॉस्टिक पे टिक लगाया इस सरफेस के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके, तो एक इरर इसका मतलब चला गया, एक छूटा। अब ये एक इरर क्या कह रहा है, देर आर नो कॉस्टिक फोटॉन्स एमिटर इन दिस सीन। कौन सी ऐसी चीज है जो फोटॉन्स पैदा करती है 3ds Max के अंदर, इवन हर सॉफ्टवेयर में, बात सिर्फ 3ds Max की नहीं है, फोटॉन्स ऑब्जेक्ट पैदा करते हैं कि लाइट,
सीधी सी बात है, लाइट पैदा करती है। तो उस वो ये कह रहा है कि लाइट जो है वो कॉस्टिक के फोटॉन्स पैदा नहीं कर रही है, वो सिर्फ लाइट के फोटॉन्स पैदा कर रही है। तो आपको लाइट को भी समझाना पड़ेगा कि वो पर्सनली कॉस्टिक के फोटॉन्स पैदा करे। तो जो काम आपने सरफेस के साथ किया है वही सेम काम आपको लाइट के साथ भी करना है। सिलेक्ट द लाइट, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, गो टू द मेंटल रे टैब, और यहाँ भी हिट लगा दो जनरेट कॉस्टिक। तो अब ये लाइट दोनों टाइप के फोटॉन्स पैदा करेगी, एक तो जो मेंटल रे के फोटॉन्स होते ही हैं, लाइट के फोटॉन्स वो तो नॉर्मली पैदा होते ही हैं बगैर किसी को टिक लगाए, तो वो तो रहेंगे ही जो लाइट इल्यूमिनेशन के लिए यूज होते हैं। और ये यही लाइट अब कॉस्टिक के पर्सनल फोटॉन्स भी पैदा करेगी। ठीक है, तो जनरेट कॉस्टिक पे टिक लगा दिया, ओके कर दिया। ये लगाने के बाद अब अगर मैं रेंडर करता हूँ तो होप सो कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो जैसे मैंने रेंडर किया, देखो कोई एरर नहीं आया, सिर्फ रेंडर हो रहा है। ठीक है, हालांकि टाइम लगेगा क्योंकि कॉस्टिक है, तो एरर तो नहीं आया। ठीक है, लेकिन कॉस्टिक के कुछ पैटर्न्स जो हैं वो भी कुछ खास हमें दिखाई देने रहे हैं। हमें कुछ इस टाइप के पैटर्न्स दिखने चाहिए कॉस्टिक के, जो कि मुझे नीचे के सरफेस पे नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए पहले दो काम आपको करने हैं, मतलब अब सेटिंग्स करनी है। अब टिक विक का काम खत्म, मतलब कॉस्टिक आ गया है आपके रेंडर में, रहे मतलब रेंडर व्यू के अंदर, बस वो अब कैमरे में नहीं दिख पा रहा है। तो अब उसको कैमरे में लाने के लिए बस जो ऑप्शंस हैं उन पर काम करना है। उसका जो वाटर का मटेरियल है उसमें आपने IOR डाला 1.35, और ग्लास सॉलिड ज्योमेट्री मटेरियल आपने यूज़ किया है, बना बनाया जो कि आर्कन डिज़ाइन मटेरियल में है। तो इसमें थोड़ा नीचे चलो तो यहाँ मिलेगा एडवांस रेंडरिंग ऑप्शन मटेरियल में नीचे। तो इस मटेरियल में भी एडवांस रेंडरिंग ऑप्शन में थोड़ा नीचे यहाँ ये छुपा है, व्हेन कॉस्टिक आर इनेबल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें आपको यूज ट्रांसपेरेंट शेडो पे टिक लगा हुआ है, तो उस पर टिक लगाना है आपको रिफ्रैक्ट लाइट एंड जनरेट कॉस्टिक इफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका रेंडर सेटिंग में जो कॉस्टिक है, कॉस्टिक के फोटॉन्स में भी ये रहा मैक्सिमम सैम्पलिंग रेडियस, तो उस पर जैसे मैं टिक करूंगा तो पर फोटॉन्स मेरे सीन में अभी डिफॉल्टली 20,000 जो फोटॉन्स होते हैं जो कि डिफॉल्टली चालू रहते हैं, बढ़ाना घटाना काम यहाँ पे होता है नीचे, लेकिन अभी डिफॉल्ट 20,000 फोटॉन्स आ गए, और उन पर फोटोन का कॉस्टिक का जो साइज है वो है 1, जिसको मैं कर देता हूँ 0.6, अभी छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। ठीक है, और अब मैं रेंडर करता हूँ तो सबसे पहले आपको कॉस्टिक के फोटॉन्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। पैटर्न आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन देखो कॉस्टिक में थोड़ा रेंडर साइज और बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल में दिखे, बहुत छोटा रेंडर हो रहा है। तो मैं सेम वही 960x540 यानी हाफ SD का रेंडर करता हूँ, थोड़ा जूम करके। तो देखो छोटे छोटे फोटॉन्स दिखना स्टार्ट हो गए, ये कॉस्टिक के फोटॉन्स है। और इधर गौर से देखोगे तो देखो थोड़ा पैटर्न्स भी बनना स्टार्ट हुआ है इस टाइप के, ये वाले जो पानी के सरफेस पर बनते हैं कॉस्टिक। ठीक है ना, वो भी हल्के हल्के आए हैं, लेकिन ज्यादा क्या दिख रहे हैं फोटॉन्स। और वो फोटॉन्स दिख क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने सीधी सी बात है रेंडर सेटिंग में वही चालू भी किया है, मैंने मैक्सिमम सैम्पलिंग रेडियस। तो ये कॉस्टिक के पर फोटॉन्स का साइज है और ये कॉस्टिक के पर फोटॉन्स का सैंपल है, कि अगर उन फोटॉन्स में नॉइज आ रहा है तो आप ये सैंपल वैल्यू जो 100 आ रही है डिफॉल्ट, इसको जितना बढ़ाओगे तो रेंडर में से उतना ही नॉइज जाता जाएगा। मैक्सिमम सैम्पलिंग रेडियस यानी पर फोटॉन्स का साइज 0.8 समथिंग कर लेता हूँ। मैक्सिमम नंबर फोटॉन्स पर सैंपल लगभग अभी रखता हूँ 300। ठीक है, कम ज़्यादा लगेगा तो बढ़ाएंगे। फिर एक हल्का सा रेंडर करता हूँ, इससे मुझे थोड़े फोटॉन्स के साइज और बड़े मिलेंगे, और थोड़े से देखो स्मूथ भी हो गए, नॉइज वॉइज जो थोड़ा बहुत आ रहा था वो भी गया। अब बस मुझे पैटर्न अच्छे से लाना है, तो पैटर्न लाने के लिए आपको एक नया ऑप्शन यूज करना है जो लाइट के अंदर छुपा हुआ है, जो कि मेंटल रे के टैब में ही।
तो वो आपको कहाँ मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको लाइट में जाना है, लाइट में सबसे नीचे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा मेंटल रे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, यानी मेंटल रे के पर्सनल टैब हैं लाइट के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक मेंटल रे कॉस्टिक है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक कॉस्टिक फोटॉन्स, ठीक है। कॉस्टिक फोटॉन्स आप दो जगह से बढ़ा सकते हो, कॉस्टिक चालू कर देते हो यहाँ से इनेबल करके, तो यहाँ पे फिर एवरेज कॉस्टिक फोटॉन्स पर लाइट भी आता है। यहाँ पे भी देखो 20,000 मैनुअली लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी फोटॉन्स बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, और यहाँ से भी कॉस्टिक फोटॉन्स बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। बस फर्क क्या है कि ये 20,000 और यहाँ जो 1 लिखा है ये मिक्स होके काम कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 को 2 कर दिया तो उसका मतलब ये 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, समझ रहे हो बात को? ए सॉरी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो टोटल कॉस्टिक कितने हो गए? 40,000। तो यहाँ मैं रख देता हूँ लगभग, अभी देखने के लिए कुछ 5 का रखता हूँ, तो लगभग वही 1 लाख फोटॉन्स हो गए आपके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पैट जब 1 लाख फोटॉन्स हो जाएंगे तो फोटॉन्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो एक दूसरे से मिक्स होके ब्लेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पैटर्न्स हैं वो काफी अच्छे आपको दिखने लगेंगे। तो ब्लेंडर हिट करता हूँ, देखो पैटर्न्स आना स्टार्ट हुए अच्छे से, पहले से बेटर हुआ, क्योंकि कॉस्टिक के फोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, 20,000 से 1 लाख पे पहुंच गए। एक काम और मैं करता हूँ, नीचे एक सरफेस, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, उस पर भी देखते हैं कि फोटॉन्स कैसे आ रहे हैं। तो ये मैंने रखा एज अ स्फेयर, ऐसे चेक करने के लिए इस पे फोटॉन्स कैसे आ रहे हैं, जरा देखें। फोटॉन्स तो इस पे भी पड़ रहे हैं, मुझे बस ये थोड़े से पैटर्न्स को सही करना है, तो मैं देख रहा हूँ कि किस ऑप्शन से ये अच्छे से हो जाता है। मतलब देखो यहाँ कॉस्टिक फोटॉन्स को बढ़ाने से भी काम हो सकता है, या आपका ये एवरेज कॉस्टिक कॉस्टिक फोटॉन्स पर लाइट, तो इसको मैं 2 लाख कर देता हूँ, देखें आप क्या आउटपुट आता है। देखो रेंडर टाइम बढ़ गया क्योंकि फोटॉन्स बढ़ गए आपके सीन में, लेकिन देखो पैटर्न्स और ज्यादा मस्त आ गए आपके सीन में, ठीक है। तो जो 20,000 फोटॉन्स थे उसको मैंने 2 लाख कर दिया, यानी ये तो ध्यान रखो ये कि जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतना यहाँ पे पैटर्न स्ट्रांग बनेगा कॉस्टिक का, ठीक है, क्योंकि फोटॉन्स ही हैं जो कॉस्टिक को जनरेट कर रहे हैं। बस ये पर्सनल किसके फोटॉन्स हैं? कॉस्टिक पे। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस्टिक का कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं मटेरियल पे आया फटाफट, ये आपका वाटर का मटेरियल, इसमें देखो रिफ्लेक्टी, ये रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्रैक्टिविटी यानी ट्रांसपेरेंसी, तो उसका भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का कलर, या पहले चलो ट्रांसपेरेंसी का कलर, जैसे पानी में हल्का सा ब्लू टिंच होता है, तो हम एक ब्लू कलर का टिंच डालते हैं, ठीक है, मटेरियल में, तो ये पानी के उस मटेरियल में वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। वही ब्लू कलर सेम यहाँ से कॉपी करके रिफ्लेक्टिविटी में भी डाल दो, क्योंकि पानी में रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्रैक्टिविटी दोनों है, तो दोनों का कलर मैंने सेम कर दिया। तो अभी आप देखो रेंडर करोगे थोड़ा पास से और अच्छे से, तो आपको ब्लू टिंट भी मिल जाएगा आपके कॉस्टिक पैटर्न में और पानी के उसमें। देखो लास्ट में हम ऊपर जाते हैं, फाइनल की तरफ फाइनली चालू करते हैं, और मैं मीडियम की बजाय लो क्वालिटी में रेंडर करता हूँ, क्योंकि वैसे ही रेंडर कॉस्टिक की वजह से इतना हैवी हो रहा है, तो ज़्यादा फाइनल की तरफ ऐड कर दोगे तो रेंडर तो होगा लेकिन बहुत टाइम का आएगा। तो मीडियम क्वालिटी का मैं तो मीडियम भी प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ लो में ही करो अभी, ताकि आपको मैं दिखा सकूं। आप अपने पर्सनल में चाहो तो मीडियम या हाई पे चले जाना, तो मैं लो पे रहता हूँ। और एक चीज और है, यहाँ फाइनल गैदर में जब आप ये फाइनल गैदर जोड़ लेते हो, इससे बाउंस तो ग्रेट होता है, लेकिन वो बाउंस डबल ट्रिपल भी कर सकते हो आप दो तरीके से, या तो मल्टीप्लायर बढ़ा दो, या फिर यहाँ डिफ्यूज बाउंस है ये भी बढ़ा सकते हो।
यहाँ से मैं बाउंस इफेक्ट समथिंग 3 कर देता हूँ, तो आपके पूरे रेंडर में जितने भी कलर्स होंगे वो और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा खिल के आपके रेंडर में फाइनली वे में आएंगे। ठीक है, इधर सब हमने कॉस्टिक फोटॉन्स ये सब मैं अभी 30 कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, फाइनल रेंडर की वजह लिए। और इधर से तो सब बढ़िया है, हमारा 2 लाख फोटॉन्स हमारे हैं। साथ ही साथ मैं एक बॉक्स लगा के ऐसे टॉप व्यू से एक इस तरीके से बॉक्स बॉक्स को राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली कर दो और बॉक्स को थोड़ा ऊपर उठाओ, लाइट के ऊपर जाना चाहिए, लाइट उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लाइट को पकड़ के चाहो तो थोड़ा और नीचे ले लो, पर्सपेक्टिव में आओ। तो ये एक बंद कमरा जैसा हमने उसमें क्रिएट कर दिया है। इसका फ्रंट फेस कन्वर्ट टू पॉली कर सेलेक्ट करके डिलीट कर लो और इसके ऊपर भी जो आपका नीचे जो जमीन पे आपने मटेरियल डाला था ये वाला वही इस पे भी डाल दो। नीचे वाला ये भी जो आपका ऑब्जेक्ट है अब ये खाली मटेरियल के है तो उस पे भी चाहो तो एक मटेरियल चढ़ा लो स्टैंडर्ड लेके आर्कन डिजाइन में ही, मतलब स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करो आर्कन डिजाइन और सिलेक्ट अ टेम्पलेट से इसको मैं क्रोम बना देता हूँ स्टील। ठीक है, इस टाइप का तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव हाईली रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट दिखेगा। आपका शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करके ये आपकी शो सेफ फ्रेम यानी रिजोल्यूशन गेट इस तरह सेट करता हूँ कैमरे को। ठीक है, कैमरा नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ऐसे ही पर्सपेक्टिव में बस फ्रेम सेट करके आप रेंडर कर सकते हो। तो सब कुछ है इसमें, फाइनल गैदर भी है, बाउंस भी है, कॉस्टिक भी है और कॉस्टिक का क्या है अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। लाइट में भी हमने कॉस्टिक फोटॉन्स का 30 रख रखा है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर रेंडर में आएगा फाइनल गैदर के साथ। हमने कलर्स भी डाल दिया, कॉस्टिक के कलर तो डाल ही दिया मतलब कॉस्टिक के फोटॉन्स का, साथ ही साथ हमने मटेरियल में भी कलर डाल दिया पानी के। ठीक है ना, तो अब हम करेंगे रेंडर। रेंडर पे हिट करने के बाद थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा देर रुकने के बाद आप देखेंगे कि हमारा फाइनल रेंडर निकल के सामने आ जाएगा। तो जिस तरीके से आपने देखा, हमने 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस कॉस्टिक टॉपिक को कंप्लीट किया है। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये इसका फाइनल रेंडर है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।